तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में OSI मॉडल यानी नेटवर्किंग का एक पार्ट है OSI मॉडल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक से दो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों OSI मॉडल, OSI मॉडल क्या है? यह एक रेफरेंस मॉडल है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। और इसे सन 1977 में ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जिसका यूज अलग अलग डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता है। इसमें सात लेयर होती है, इसमें दोस्तों सात लेयर होती है, जो कि निम्न है। अब अपन चर्चा करेंगे सातों लेयर्स के बारे में। दोस्तों पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। दोस्तों इसमें उल्टा क्रम चलता है, यानी ऐसे 1 से 7 के अनुसार। यदि आपसे पहली लेयर पूछे तो आपको कौन सी लगानी है? फिजिकल लेयर लगानी है। और लास्ट लेयर पूछे तो क्या लगानी है? एप्लीकेशन लेयर लगानी है। तो पहली हो जाएगी फिजिकल लेयर, दूसरी हो जाएगी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ नंबर पे सेशन लेयर, सिक्स्थ नंबर पे प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवन्थ नंबर पे एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी। आप इसको कोई भी ट्रैक वगैरह के माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी PDN याद रख लीजिए, PDN TSPA, PDN TSPA के माध्यम से आराम से याद हो जाएगी। अब दोस्तों इन सभी लेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस लेयर का क्या काम होता है, तो कौन सी लेयर का क्या काम होता है उस अनुसार। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर कौन सी आ जाएगी? फिजिकल लेयर। इस लेयर का काम क्या है सुनिए, इस लेयर का काम दो नोड के बीच में डाटा को बिट्स या पैकेट्स में ट्रांसमिट करना होता है। यानी दो नोड हैं, इन दो नोड के बीच में जो डाटा है उसको बिट्स के रूप में यानी या पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट करना होता है। उसके बाद आती है दूसरी लेयर, यानी डाटा लिंक लेयर। इस लेयर का काम क्या है? इस लेयर का काम है एरर फ्री कम्युनिकेशन करवाना होता है। तो अब देखिए, जो डाटा है उसको दो नोड के बीच में ट्रांसमिट कर दिया, उसके पश्चात जो भी जो कम्युनिकेशन होना है उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। तो डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? इसका काम है एरर फ्री कम्युनिकेशन करवाना है। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर पे नेटवर्क लेयर। इस लेयर का काम राउटिंग यानी रूट बनाना, राउटिंग करना होता है। तो अब दोस्तों देखिए, एरर फ्री कम्युनिकेशन हो गया, उसके पश्चात नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि रूट बनाना यानी राउटिंग करवाना, सही रास्ता बनाना इस लेयर का काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर पर पैकेट्स डिवाइड किए जाते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब देखिए रूट बन गया, रूट बनने के पश्चात यानी पैकेट्स का डिवाइड कर दिया, यानी ये पैकेट्स इसमें जाएंगे, ये पैकेट्स इसमें जाएंगे, यानी पैकेट्स का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया जाता है, किसके लिए? ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है सेशन लेयर। इस लेयर का काम एंड टू एंड कनेक्शन करना होता है। अब देखिए, आपने कहीं कहीं सुना होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लॉगिन आईडी खोलते हैं, तो वो कुछ समय बाद कहता है कि आपका सेशन टाइम खत्म हो चुका है और अपने आप वो लॉग आउट हो जाता है। तो इस लेयर का काम क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन करना होता है, यानी एंड टू एंड ये कनेक्शन करवाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर। इस लेयर का काम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना होता है। अब ये क्या होता है? अब देखिए, जैसे कोई डाटा है हेलो अपन ने लिखा, उसके पश्चात जो भी कोई अपन ने लॉग इन आईडी की और की, तो वो डाटा इनक्रिप्ट होके ऐसी भाषा में पहुंच जाता है जो अपने समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, जिससे है ना जो हैकर वगैरह होते हैं हैक नहीं कर पाए, यानी ऐसी लैंग्वेज में पहुंच जाता है जिसको कोई समझ नहीं पाए, इनक्रिप्ट हो जाता है। और उसके पश्चात दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचता है तो वो वापस क्या हो जाता है? डिक्रिप्ट हो जाता है, और वो उसी लैंग्वेज में आ जाता है। तो दोस्तों जब ये डाटा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है, इसमें एक प्रक्रिया होती है क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी में रहता है, एक तो सिमेट्रिक रहता है और एक असिमेट्रिक रहता है। तो सिमेट्रिक में रहती है प्राइवेट की और इसमें रहती है पब्लिक की। तो जो ये प्राइवेट की होती है, ये प्राइवेट की होती है यानी सिमेट्रिक डाटा में, तो जो प्राइवेट की होती है वो दूसरे यूजर को ही पता होती है, तो प्राइवेट की के माध्यम से ये आगे कर पाता है। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, और पब्लिक की ये सभी आराम से कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, क्रिप्टोग्राफी में देखो, क्रिप्टोग्राफी दो प्रकार की, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक में प्राइवेट की हो जाएगा और असिमेट्रिक में पब्लिक की हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लेयर लास्ट वाली। इस लेयर का काम फाइल्स को ट्रांसफर करना होता है, यानी एप्लीकेशन लेयर हो गई लास्ट वाली, इस लेयर का काम क्या है, फाइल्स को ट्रांसफर करना है और यूजर के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो दोस्तों, ये मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट लेयर है आपके सामने रखी है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।